मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास। जैसा कि आपको जानकारी है कि थर्ड क्लास में ऑनलाइन रीडिंग आपकी चल रही है और स्कूल के द्वारा आपको वीडियो भेजी जा रही हैं और उम्मीद भी है कि कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं स्कूल में, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाएंगे। आज से आपकी मैथ की जो एक्सरसाइज है उसका आज शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये थर्ड क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम है रिवीजन। बुक भी आप देख सकते हैं, ये बुक है आपकी मैथ की थर्ड क्लास की, और इसमें रिवीजन जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें वो रिवीजन है। इसमें आपको ये रिवीजन करना होगा, और रिवीजन का मतलब बच्चों होता है कि ये अभी आपका सेकंड स्टैंडर्ड का ही वर्क शुरू में होता है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज से शुरू करने वाले हैं मैथ का वर्क। सभी बच्चे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे पहली वीडियो आपके पास पहुँचे और आपको कोई परेशानी ना हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लें, तभी आपकी पढ़ाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं अभी आपको बुक से ही समझा दूंगा, किंतु नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लैक बोर्ड के द्वारा समझाया जाएगा, जिससे आपको बुक भरने में या कंप्लीट करने में आसानी ना हो। किंतु मैथ का रजिस्टर अभी आप रफ रजिस्टर पर ही मैथ का वर्क करते रहें, जिससे आपको दोबारा रजिस्टर में कोई ज़्यादा कटिंग ना हो। तो रफ रजिस्टर पर ही आप मैथ का वर्क करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स एंड देयर नंबर नेम्स। बच्चों, यहाँ पर कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, और उन संख्याओं को आपको जो है नंबर नेम में कन्वर्ट करना है, इनको चेंज करना है और इन वर्ड लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये 492 क्या दिया हुआ है, 492 न्यूमरल्स क्या हो गया इसका, 492, और इसको हम नंबर नेम क्या लिखेंगे इन वर्ड्स, 400 492। ऐसी सभी एक्सरसाइज आपको इसमें करा दी गई थी बच्चों सेकंड क्लास में, इसलिए इसको रिवीजन के रूप में ही हम करेंगे। अब आप 492 यहाँ पर हमने लिख दिया है, फॉर एग्जांपल 492 यहाँ पर जितने भी न्यूमरल्स दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं बच्चों, ये सब आपको इसी तरीके से वर्ड में चेंज करना होगा। ठीक है, वर्ड में इसको चेंज करना होगा। अब इसको हम नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 365, क्या लिखा हुआ है, 365। तो बच्चों अब इसमें आगे यहाँ पर लिखेंगे हम 300, क्या लिखेंगे, 365, क्या लिखेंगे, 365, और ऐसे ही लिखते हुए हम आ जाएंगे 834, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 834। तो 834 न्यूमरल्स क्या हो जाएगा, 834, और इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 834, ठीक है, 834। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आप सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में आए हैं तो उम्मीद है कि आपको ये सभी आने भी चाहिए, और नहीं आते हैं तो आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, कर सकते हैं, स्कूल में फ़ोन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन हंड्रेड्स टेंस एंड वंस। इसमें तो आपने जो है एक साथ लिख दिया है बच्चों, किंतु यहाँ पर आपको हंड्रेड्स में लिखना होगा, टेंस में लिखना होगा एंड वंस में लिखना होगा। एक जो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 837, क्या लिखा हुआ है, 837, अर्थात 837, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 837। किंतु इसको हम हंड्रेड्स में लिखेंगे कि हंड्रेड्स पर कौन सा नंबर है, टेंस पर कौन सा नंबर है, वंस पर कौन सा नंबर है,
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकाई ढाई सैकड़ा। क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई ढाई सैकड़ा, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स। क्या बोलते हैं? वंस टेंस और हंड्रेड्स। जो फर्स्ट नंबर पर आता है उसको वंस बोलते हैं या हिंदी में इकाई बोलते हैं, जो सेकंड नंबर पर आता है उसको टेंस बोलते हैं और ढाई बोलते हैं, जो थर्ड नंबर पर आता है उसको हम हंड्रेड्स बोलते हैं और सैकड़ा बोलते हैं, जो फोर्थ नंबर पर आता है बच्चों उसको थाउजेंड्स बोलते हैं या फिर हजार कहते हैं। इकाई ढाई सैकड़ा हजार। लिखना कैसे होगा? तो ये है 837। क्या है? 837। तो हम एट तो हो गया हंड्रेड, थर्टी हो गया थ्री, हो गया टेन और सेवन हो गया वंस। तो ये बच्चों लिख दिया है 800, 3 tens and 7 ones। इकाई ढाई सैकड़ा, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। ये भी रिवीजन है, आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो 800, 3 tens, 7 ones। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 245। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 245। तो यहाँ सामने हम लिखेंगे 200, 200, 4 tens, 5 ones। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 356। क्या लिखा हुआ है? 356। इसको हम कैसे लिखेंगे? 300, 5 tens, 5 tens and 6 ones। 5 tens and 6 ones। इस तरह हम जो हैं नंबर वन से चलते हुए नंबर एट पर पहुंच जाएंगे और यहां पर लिख देंगे 700। ये लिखा हुआ है बच्चों 700। यहाँ लिखेंगे हम 700, 0 tens and 0 ones। ठीक है, इस तरह हम इस पेज के दोनों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों इसको भर भी लेंगे और इसकी फ़ोटो सेंड आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर करनी होगी, अन्यथा फिर मैथ की वीडियो भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इस वर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर भी मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप स्कूल में फ़ोन करें, स्कूल में आएं और सभी टीचर्स वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नंबर वन मोर देन द गिवन नंबर्स। राइट द नंबर वन मोर देन, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? समझ लीजिए कि जो नंबर्स दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, उनको एक ऐड करके इसमें लिखना होगा, उसमें वन जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे 4804। क्या लिखा हुआ है? 4804। बच्चों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताता हूँ, 4804। किंतु इसमें क्वेश्चन क्या है कि वन मोर देन, अर्थात इससे एक अधिक, 4805, 4805। फोर की जगह हमें बच्चों 5 लिखना होगा और सभी जितने भी नंबर इसमें दिए गए हैं वो 1 से लेकर के 10 तक, उन सभी में हमको एक एक बढ़ा करके इसके सामने कच्ची पेंसिल से भरना होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनमें एक वन ऐड करिए और लिख दीजिए। इसके अपोजिट ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नंबर वन लेस देन, जितने भी नंबर दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आपको एक लेस करना है, वन लेस करना है। क्या करना है बच्चों? वन लेस करना है। जैसे पहले ही नंबर दिया गया, पहले ही संख्या दी गई है 2345, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? 2345। क्या बोलेंगे? 2345। तो वन लेस देन करना है। क्या करना है बच्चों? वन लेस देन करना, तो ये हो जाएगा
2344, 45 की जगह बच्चों वन लेस देन आ जाएगा 44। आप सभी जानते हैं 45 से पहले क्या आएगा, 44। इसी तरह आपको ये वन नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जितनी भी दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, इन सभी में आपको नंबर एक एक लेस करके, अर्थात एक एक नंबर घटा करके, वन वन लेस करके आपको इस एक्सरसाइज में भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये मैंने 4 क्वेश्चन आपके बताए हैं, जिन क्वेश्चनों को आप करते रहें इनकी फ़ोटो सेंड करके मुझे दिखाते रहें। ये मैंने 4 क्वेश्चन रिवीजन के, देख लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 1 रिवीजन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। बच्चों ये सभी आपको अपनी बुक पर भरने होंगे कच्ची पेंसिल से, और जब ये बुक में भर जाएं तब इनको आप फेयर कॉपी में उतारेंगे, तब इनको फेयर कॉपी में करेंगे। और फेयर कॉपी में करने के बाद एक या कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे पहले रफ कॉपी में, फेयर में नहीं करना अभी बच्चों, इसको समझ रहे हैं ना, फेयर नहीं करना है, पहले इसको रफ में करेंगे चारों एक्सरसाइज को, और रफ में करने के बाद इनको आप अपनी बुक में भरेंगे। सभी में भरना है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, और 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। पहले आप रफ कॉपी में भरेंगे, उसके बाद आपको ये बुक में भरने होंगे। मैं बार बार बच्चों आपको फेयर कॉपी कह देता हूँ, पहले ये रफ में होगा, उसके बाद ये बुक में भरा होगा, तभी आपका ये कंप्लीट समझा जाएगा। कल वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में भेजे जाएंगे। थैंक यू।